हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहां पर दो टू पिन सॉकेट लगा हुआ है, तो इन दोनों टू पिन सॉकेट को कैसे कनेक्शन करना है, यानी कि इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, पीछे तरफ इस तरह से दिखता है, तो इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्शन कैसे किया जाता है बताएं, तो मैं आज आपको सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए ही बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है आप अब देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह का वायर लेना है, किसी तरह का भी आप वायर ले लें, तो इसके ऊपर वाले जो ये पीवीसी है इसे छील लेना है, ठीक है। तो ये पहले आपको क्या करना होगा, ये दोनों सॉकेट में इस तरह से नाप लेना होगा कि कितना बड़ा वायर लगेगा, इस हिसाब से आपको काट लेना है, ठीक है। यहाँ काटने के बाद इसे छील लेना है, इसी तरह से इस तरफ भी, जैसे इधर नापते हैं उसी तरह से आपको इधर भी नाप कर काट लेना है, यानी कि इस तरह से इस साइज के दो वायर काटना है और छील लेना। तो देखिए मैंने पहले से देखिए वायर काट के छील के रखे हुए हैं इसी साइज के, तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर इसे लगा दूंगा इस तरह से। तो मैं इसे लगाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का कमेंट्स मुझे बराबर मिलते हैं कि सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करें, यानी कि बगैर स्विच का जो कनेक्शन होता है सॉकेट में वो कैसे करें हमें बताएं, यही लोग बहुत सारे कमेंट्स बहुत दिनों से मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए ये डायरेक्ट वाला जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता दूं, जो बिना स्विच का कनेक्शन होता है, ठीक है, सॉकेट में। अब देखिए इसमें सप्लाई लाइन कहाँ पर देना है, जैसे कि आप फेज यहाँ दे दें और न्यूट्रल यहाँ दे दें, या फिर आप यहाँ पर फेज दे दें यहाँ पर न्यूट्रल दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फेज और न्यूट्रल कनेक्शन इसमें कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये टू पिन सॉकेट है, ठीक है। इसमें अगर फाइव पिन सॉकेट होता तो आपको समझना होता कि फेज कहाँ देना है और न्यूट्रल कहाँ देना है। अगर इसमें स्विच लगा होता तो भी आपको समझना पड़ता कि फेज कहाँ पर देना है, न्यूट्रल कहाँ पर देना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टू पिन सॉकेट है, इसलिए इसमें फेज और न्यूट्रल आप ऊपर दे दे या नीचे दे दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका कनेक्शन करने का। अब मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ इस तरह से, इसके स्क्रू को। तो दोस्तों इसी तरह से आप 3, 4, 5, 6 जितने सॉकेट चाहें आप लगा करके, सिर्फ जो ऊपर और नीचे वाला जो लंबा वाला वायर छिला हुआ लगाया गया है ना, उस वायर को आपको क्या करना है, आगे वाले सॉकेट में इसी तरह से लगाते चला जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये वायरिंग कनेक्शन आपका पूरा हो जाएगा, जितने सॉकेट चाहें उतने सॉकेट आप टू पिन सॉकेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें लाइन दूंगा, तो आपको मैं चेक करके दिखा देता हूं कि ये कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। तो देखिए मैं इसमें लाइन दे दिया, अब मैं इसमें LED बल्ब जलाकर दिखा देता हूं। तो देखिए ये LED बल्ब जलता है या नहीं, तो देखिए ये बिल्कुल सही जल रहा है। आपको ये याद रखना है कि ये जो टू पिन सॉकेट का कनेक्शन हुआ है ये डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें कोई स्विच नहीं लगाया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी टू पिन सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।